हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि जो वीड्स होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, उनको किस तरह से क्रॉप रोटेशन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। एक कमेंट में ये क्वेश्चन किया गया है, किसी ने क्वेश्चन किया है कि उन्होंने कहीं ये जो क्रॉप रोटेशन के बारे में रीड किया तो उसमें ये एडवांटेज, जो उसके एडवांटेज होते हैं क्रॉप रोटेशन के, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इससे वीड को और पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके पीछे का रीज़न पूछा है कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वीड्स को और पेस्ट को। पेस्ट के लिए आप जानते हैं कि पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। वीड्स, आप जानते हैं कि वीड्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं। जो हम क्रॉप वगैरह लगाते हैं तो उस क्रॉप में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे निकल आते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि ये ग्रो हों, लेकिन वो ग्रो हो जाते हैं उसके साथ, तो हम उसको वीड कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है कि जब हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो इस तरह से कैसे वीड्स और पेस्ट कंट्रोल हो जाएंगे। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक सीज़न में कोई क्रॉप ग्रो कराया, नेक्स्ट सीज़न में आपने क्रॉप को चेंज कर दिया, कोई दूसरा क्रॉप लगाया। एक ही क्रॉप को आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप हर बार क्रॉप को चेंज कर दे रहे हैं, अलग अलग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो इसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। तो क्रॉप रोटेशन से किस तरह से वीड्स और पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जो वीड्स होते हैं या जो पेस्ट होते हैं, ये इनका जो होस्ट होता है या ये जिस क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, इनके लिए अलग अलग क्रॉप होती है। मतलब ये कि चूजी होते हैं ये क्रॉप को लेकर के। हर एक क्रॉप के साथ हर एक वीड ग्रो नहीं करता। कुछ वीड्स होते हैं जो कुछ खास क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, कुछ वीड्स होते हैं किसी और क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं। यही हाल पेस्ट का होता है। तो जब आप क्रॉप को रोटेट कर देते हैं, मान लेते हैं कि एक बार आपने कोई क्रॉप ग्रो कराई, उसमें कुछ वीड्स उसको ग्रो कर रहे हैं, अब आप नेक्स्ट सीज़न में वही क्रॉप ग्रो कराएंगे तो नेक्स्ट सीज़न में वो वीड्स जो होंगे वो और ज़्यादा ग्रो करेंगे, और तेज़ी से ग्रो करेंगे, और आप उसी क्रॉप को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो वो वीड्स भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब आप क्रॉप को रोटेट कर देंगे, एक बार आपने कोई क्रॉप लगाया, उसके वीड्स जो हैं वो उसमें ग्रो होने शुरू हुए, आपने नेक्स्ट सीज़न में क्या किया, दूसरा कोई क्रॉप लगाया, अब जो पहले जो आपने क्रॉप लगाया था उसके जो वीड्स हैं वो डिसअपीयर होने लगे, अब दूसरे वीड्स आना शुरू होंगे जो उस क्रॉप के लिए, जो उस क्रॉप को चूज़ करते होंगे या उस क्रॉप के साथ ग्रो करते होंगे। आपने नेक्स्ट सीज़न में फिर क्रॉप को चेंज कर दिया, तो ये जो धीरे धीरे वीड्स का ग्रो होना है, ये क्या होता है, वीड्स डिसअपियर होने लगते हैं। जब आप एक ही क्रॉप को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो वो वीड्स भी ग्रो करते रहेंगे, लेकिन जब आप क्रॉप को रोटेट कर देंगे तब क्या होगा, क्रॉप को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, वो वीड्स भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे। यही हाल पेस्ट का होता है, और तब आपको इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना होता जब आप क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो सॉइल होता है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, और इसके साथ साथ जो आपने कहा कि वीड्स और पेस्ट को कंट्रोल करने की बात, तो हाँ, वीड्स और पेस्ट आप क्रॉप रोटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।